दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्रीनटिप्सनएडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले दिन कौन से स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, उसी स्टॉक के टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, टारगेट, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो एनालिसिस पे जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, इक्विटी कैश, ऑल सेगमेंट के कॉल प्रीमियम मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अकाउंट ओपन करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, और अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं तभी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 80% एक्यूरेसी के साथ कॉल प्रोवाइड करता हूँ। सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा सपोर्ट रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, आज की डेट में स्टॉक में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। खास करके आप लोग अगर लास्ट कैंडल को देखें, ये वन डे कैंडल है और आज की डेट की कैंडल है, करंट कैंडल है। इस कैंडल को देखिए, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस को ब्रेकआउट करते हुए प्रीवियस कैंडल की ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कहां पर क्लोज हुआ? प्रीवियस कैंडल की हाई प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ और नीचे से, और स्टॉक नीचे से 15 डेज और 9 डेज इन दोनों डीएमए लेवल को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए 15 डेज और 9 डेज इन दोनों डीएमए लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। कहने का मतलब, प्रीवियस कैंडल को अगर आप लोग देखें तो इस प्रीवियस कैंडल को देखिए, प्रीवियस कैंडल जो है एक पैटर्न है। कहने का मतलब, इसको आप लोग हैमर कह सकते हैं, यानी ये हैमर कैंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले दिन जो है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था और इसने अच्छा खासा लो बनाया था, लेकिन फाइनली क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण स्टॉक ऊपर क्लोज हुआ है। और यहाँ पर जो आप लोग डे पीवोट देख रहे हैं, इस डे पीवोट के ऊपर क्लोज हुआ है, और इस डे पीवोट के ऊपर क्लोज होते हुए हमने देखा कि यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ, और इस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के चलते आज की डेट में स्टॉक प्रीवियस कैंडल की हाई प्राइस को ब्रेकआउट करते हुए प्रीवियस कैंडल की हाई प्राइस के ऊपर ही सिर्फ क्लोज नहीं हुआ, 9 डेज और 15 डेज क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिछले 7 दिनों से डे पीवोट लेवल को ब्रेकडाउन करके इसके नीचे सस्टेंस करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि बहुत बार इस पीवोट लेवल को ब्रेकडाउन किया, लेकिन फाइनली क्लोज कहाँ पर हुआ, इस पीवोट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ पिछले 7 दिन। और आज की डेट में एक जबरदस्त उछाल आया, क्योंकि प्रीवियस कैंडल जो है एक हैमर कैंडल है, और इस हैमर कैंडल के चलते आज की डेट में 9 डेज और 15 डेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं, दोनों लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। अगर हम लोग इसको अगर रियल लेवल ड्रॉ करें इसमें, तो देखिए यहाँ पर हम कुछ लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इस रियल लेवल को आप लोग देख सकते हैं। अब अगले दिन इस रियल लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं और इस रेल लेवल के ऊपर सस्टेंस करते हैं, तो ऊपर की तरफ हमें एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेंगे। और वो लेवल क्या है फ्रेंड्स, 973 से लेके 974, यानी 973 या फिर 974 के ऊपर अगर सस्टेंस करते हैं तो ऊपर की तरफ हम उछाल देखने को मिलेंगे। जो लेवल हमें मिला है रेल लेवल, ओके, एक तो पीवोट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, दूसरी तरफ 9 डेज और 15 डेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए इसके ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन रेल लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। अब अगले दिन इस रेल लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ हमें एक उछाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग नीचे की तरफ आरएसआई को देखें तो आरएसआई का ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है, और एमएसडी मेन लाइन सिग्नल लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, यानी इनिशियली एक बाइंग सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अगर बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होता है तो ऊपर की तरफ हमें एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी रे लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, और रे लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ हमें उछाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि तब रे लेवल और ये 9 डेज और 15 डेज लेवल हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। चलिए इसको हम 1 आवर चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। 1 आवर चार्ट में देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 1 आवर चार्ट में, 1 आवर चार्ट में रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। तो रेजिस्टेंस लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल जो है 971, एक बार नोट कीजिएगा आप लोग, रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है 971। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो डे चार्ट में रे लेवल जो हमें मिला है 973, उसको भी ब्रेकआउट करने की क्षमता रख सकता है।
और इसका चलते हमें ऊपर की तरफ भय उछाल देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब वन आवर चार्ट में अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेंस करते हैं, सस्टेंस करने के बाद जैसे ही रे लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होने के बाद हमें टारगेट मिलने का पॉसिबिलिटी देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एमएसडी मेन लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है और इनिशियली बाइंग सिग्नल पे है और दोनों लाइन जो है जीरो लाइन के ऊपर है और एमएसडी भी ट्रेंड जो है लगभग ऊपर की तरफ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक बाइंग पोजीशन पे है, लेकिन स्ट्रॉन्गली बाइंग पोजीशन पे है मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि अब रे लेवल के नीचे है, स्टॉक बाइंग पोजीशन पे है लेकिन रे लेवल के नीचे है डे चार्ट में और वन आवर चार्ट में रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है। अब ये बाइंग स्टॉक अगर अगले दिन रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं और रे लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ हमें एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल दोनों देख लेते हैं। इससे पहले मैंने अपने क्लाइंट को कौन सा कॉल फॉरवर्ड किया था एक बार देख लेते। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर कॉल फॉरवर्ड किया था कल रात को 8:03 में, क्योंकि मैं ये कॉल एक दिन पहले रात को प्रोवाइड करता हूँ 8 से 10 बजे के बीच में। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर नियर सेकंड टारगेट डन, निफ्टी फ्यूचर नियर सेकंड टारगेट डन, तो दोनों टारगेट जो है एग्जीक्यूट हुआ है, लेवल एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर टारगेट मिला है। अगर ऑप्शन देखे, इक्विटी कैश देखे, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी आस्था एक्टिव मेंबर को यानी मेरे थ्रू जिन लोगों ने आस्था में अकाउंट ओपन किया उन लोगों जो मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 29,100 बैंक निफ्टी 29,100 कॉल स्टॉप लॉस हिट, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था। निफ्टी फ्यूचर सेकंड टारगेट डन आप लोगों ने देखा, बैंक निफ्टी फ्यूचर सेकंड टारगेट डन ये निफ्टी ऑप्शन है, निफ्टी ऑप्शन 30,000 बैंक निफ्टी ऑप्शन 30,300 कॉल टारगेट हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकंड टारगेट डन, फर्स्ट टारगेट डन ये कौन सा है, ये था फ्रेंड्स 11,300 की कॉल ऑप्शन। ओके, तो मैं एक एक करके यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 29,100 पुट ऑल टारगेट डन, 29,100 कॉल स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पर आप लोग दिखेंगे ये स्टॉप लॉस हिट 29,100 कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी, और यहाँ पर 29,100 पुट ऑल टारगेट डन। उसके बाद निफ्टी 11,450 कॉल फर्स्ट टारगेट डन। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टाटा स्टील फ्यूचर टारगेट डन, टाटा स्टील फ्यूचर थर्ड टारगेट डन, यहाँ पर मैंने टाटा स्टील फ्यूचर कॉल प्रोवाइड किया था थर्ड टारगेट डन हुआ। ओके, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आईसीआईसीआई पूरी टारगेट डन, सन फार्मा टारगेट डन, ठीक है। तो ये जितने सारे कॉल मैंने प्रोवाइड किए सभी कॉल टारगेट हुआ। इस तरीके से मैं डेली कॉल प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप लोग मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को ऑल सेगमेंट के कॉल फ्री में मिलेंगे, और अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं तब भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 80% एक्यूरेसी के साथ कॉल प्रोवाइड करता हूँ, 100 महीना 15 से 3 महीने तक मेरा सपोर्ट रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाइंग लेवल क्या रहेगा, यूपीएल, यूपीएल स्टॉक की बाइंग लेवल रहेगा 973.2 यानी 973.20 के ऊपर हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे, टारगेट रहेगा 975.06, 976.62, 978.18, 980.41, 981.76 और 986.37। तो फ्रेंड्स बाइंग लेवल के 10 पैसे ऊपर हम बाई करेंगे और ये टारगेट। तो चलिए सेलिंग एंट्री लेवल देख लेते हैं, अगर बाइंग एंट्री लेवल एग्जीक्यूट होता है तो हम बाई करेंगे, अगर बाइंग एंट्री लेवल एग्जीक्यूट ना हो के सेलिंग एंट्री लेवल एग्जीक्यूट होता है तो हम सेल करेंगे। तो सेलिंग लेवल क्या रहेगा, 966.87 यानी 966.80 के नीचे हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे और टारगेट रहेगा 964.93, 963.37, 961.81, 959.58, 958.23 और 953.62। तो फ्रेंड्स यह था सेलिंग एंट्री लेवल और टारगेट, सेलिंग एंट्री लेवल के 10 पैसे नीचे हम सेल करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।